स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। माँ बोली भूखा मरता इससे अच्छा मैंने मार दिया। 6 माह के बच्चे को तालाब में फेंकने वाली महिला ने कहा शराबी पति से त्रस्त हूँ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 माह के मासूम की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस माँ पर जादू टोना के चलते बच्चा मारने का आरोप लग रहा था उसने सच्चाई बताई। आरोपी माँ मालती यादव ने बताया कि उसका पति दिलीप यादव शराब गांजा पीने का आदि था। घर में इतने पैसे भी नहीं छोड़ता था कि वो अपने बच्चों को कुछ खिला सके। बच्चा भूखे मरे ये देखने से पहले ही उसने उसे तालाब में फेंक कर मार दिया। हालांकि परिजन और पड़ोसी महिला को मानसिक रोगी और तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाली बता रहे हैं। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मालती यादव से मनोवैज्ञानिक बनकर पूछताछ की। उसने बताया कि 4 साल पहले उसके ससुराल वालों ने भूत प्रेत बाधा होना बोलकर बैगा से इलाज कराया था। उसके बाद उसे टोनही कहकर प्रताड़ित करने लगे। उसका पति दिलीप यादव शराब और गांजा पीने का आदि है। वो कुछ काम नहीं करता और पत्नी के जेवर से लेकर भगवान को चढ़ाए गए पैसों तक की दारू पी गया। मालती की 5 साल की बेटी है। बेटी कुछ मांगती तो पैसा न होने से वो उसे कुछ खिला नहीं पाती थी। पति से बोलती तो उसे गाली गलौज कर मारता पीटता था। इसी दौरान उसके दूसरी महिला से संबंध होने का पता चला। इससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गई। सास से बोली तो उन्होंने बोला उसका बेटा गुस्सैल है, कुछ मत बोल चुप रह। इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। इसके बाद उसका इलाज मनोरोग चिकित्सक से चल रहा था। मालती यादव फिर से गर्भवती हुई तो दिलीप ने उसकी देखरेख नहीं की। उसने डिलीवरी के लिए उसे उसके मायके भेज दिया। भाई ने जैसे तैसे खर्च उठाया। डिलीवरी के बाद माँ को पौष्टिक आहार के लिए शासन से जो 3,000 रुपए की राशि मिलती है उसकी भी वो दारू पी गया। मालती ने दिलीप के साथ देवी में मन्नत मांगी थी कि यदि उसको लड़का होगा तो वो उसे बकरा पूजेगी। लड़का होने के बाद उसने देवी के लिए व्रत रखा। उसमें कुछ पैसे चढ़ाए कि उसको जोड़कर बकरा पूजेगी। दिलीप ने उन पैसों को भी दारू में खर्च कर दिया। जब उसने मांगा तो गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। इससे तंग आकर उसने अपने मासूम बेटे को मारने जैसा खौफनाक कदम उठाया। एसपी दुर्ग ने मालती के पति दिलीप यादव के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।